हेलो गाइस, दिस इज भानु भाटला फ्रॉम वेल चार्टर्ड एस्ट्रोलॉजी एंड आज के हम ये वीडियो लेकर आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। एंड अभी तक हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारे ही जोडियक साइन एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी लास्ट जोडियक साइन दैट इज पाइसिस। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो फॉर द पाइसिस आई वॉन्ट टू से यू ऑल टू डू लाइक फॉलो वेल चार्टर्ड एस्ट्रोलॉजी, डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ लाइक मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आर वेबसाइट वेल्थी वेल्थ, जिसका लिंक आपको हमारी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड इफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस और वॉन्ट टू हैव अ टैरो रीडिंग यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन 9540046626। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पाइसिस के लिए। फर्स्ट आई पिक द कार्ड्स फॉर द पाइसिस हियर। ओके, कहीं ना कहीं पाइसिस जी आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए भी आया है नाइट ऑफ कप्स का, यानी ये चीज कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। रास्ता आगे ऑब्स्टाकल फ्री है, प्रॉब्लम्स नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, अभी तक जो भी परेशानी थी, स्टैग्नेटेड चीजें थी, वो सब हट चुकी हैं और अब आगे जो रास्ता है काफी क्लियर आउट है आपके अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो भी आपकी गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, और हो सके तो गाइडेंस ले किसी फादर फिगर के लिए। ठीक है, फादर फिगर आपको जो भी गाइडेंस आपकी प्रोवाइड करे या जिस भी ऐसे पर्सन को आप मानते हो, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप गाइडेंस लेकर और आगे बढ़ेंगे ना कहीं वो गाइडेंस आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों ही कार्ड्स आए हैं आपके लिए, थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये दोनों कार्ड्स आपको एक अच्छे लेवल अटेन करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन थ्रू अ गाइडेंस। और गाइडेंस आप किससे लेंगी? किसी ऐसे फादर फिगर पर्सन से जिसको आप बहुत मानते हैं और जिसकी गाइडेंस आप फॉलो करते हैं। तो ऐसे पर्सन की गाइडेंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रह सकती है, फाइनेंशियली अच्छी रह सकती है, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, हेल्थ वाइज, मैरिज वाइज, इन सब वाइज की इस पर्सन की गाइडेंस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। तो डू हैव अ गाइडेंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड वहीं पर जो आगे का कार्ड है आपके लिए आया है, वो आया है बियॉन्ड इल्यूजन एंड द क्रिएटर। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि चीजों की असलियत उनके पीछे छुपी होती है, सामने नहीं। ठीक है, तो जो भी आपकी इंट्यूशंस है उस पर एक तो वर्कआउट करें। किस पर्सन पर अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अंदर से कैसा है वो कहीं ना कहीं जरूर ध्यान रखें। अगर आप मैरिज के लिए कोई पर्सन है, अगर कोई जॉब में किसी पर्सन के साथ आप डील करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो अंदर से उस पर्सन की असलियत को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ अ बियॉन्ड इल्यूजन, यानी जो दिख रहा है उससे परे होकर समझना इस टाइम पर बहुत जरूरी है। एंड थर्ड टाइम, क्योंकि वही चीज आप खुद क्रिएट करेंगे, उस चीज के थ्रू आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज द सेकेंड कार्ड इज क्रिएटर। तो इस टाइम पर नवंबर के मंथ में स्पेशली जो भी आप डिसीजन लेंगे पाइसेस, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पाएगा। ठीक है, तो इसलिए गाइडेंस के थ्रू जरूर वर्क करें। इस फादर फिगर की गाइडेंस को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बिकॉज कहीं बार हम ये चीज होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि वी आर लाइक समथिंग, कि हमें ही सब पता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो ये चीज विच इज वेरी रॉन्ग। अगर ये एटीट्यूड किसी भी पर्सन के अंदर आ जाए तो कहीं ना कहीं वो पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए उसकी नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार उन चीजों को हम नहीं देख पाते जो दूसरे देख लेते हैं, तो उन दूसरों की बातों को कहीं ना कहीं अनदेखा ना करें। वहीं पर गाइडेंस जो है साईं बाबा आपको जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इज अ गाइडेंस ऑफ ड्रीम, एंड ही इज सेइंग दैट आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू माय ड्रीम्स। तो अगर कुछ परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि मैं ड्रीम्स में आऊंगा एंड आई विल कम्युनिकेट विद यू। और उस मैसेज को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोई ब्लेसिंग्स आपके साथ जरूर हैं। तो दिस इज द टुडेज गाइडेंस फॉर द पाइसिस। आई रियली होप आउट कि ये गाइडेंस आपको हेल्प करें आपका नवंबर प्लान करने में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट यू।